हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग की सीरीज चल रही है, उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है, साथ ही साथ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक को भी मैंने डिस्कस किया है। साथ ही साथ मैथ्स के लिए एक चैनल क्रिएट किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, उसके कुछ समय बाद में रीजनिंग के भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, तो आप उस चैनल को शेयर जरूर करिएगा और उसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ट्रिक कैसे लगे, क्वेश्चन कैसे था, आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पे विषम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इसमें सम और विषम के को देख करके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, ऑड ऑड वन आउट, मतलब जो ऑड हो उसकी बात हो रही है। यहाँ पे ऑड इवन की बात, संख्याओं की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा वो है जो और सबसे अलग है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 127, 167, 149 और 169। तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है, 127। ठीक है, ये भी ये किसी नंबर से डिवाइड होता है, ये जो डिवाइड होता है ये डिवाइड होता है 1 से और खुद 127 से, मतलब एक प्रकार का ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और उसी और 1 से डिवाइड होते हैं, मतलब 1 से और उसी संख्या से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो यह 127, ये और किसी की भी टेबल में नहीं आता है। इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे दिया 167, इसके साथ भी यही है, ये केवल 1 से कट होगा और 167 से कट होगा, तो ये भी प्राइम नंबर है। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं 149 की, तो ये भी जो है आपका प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है और 149 से डिवाइड होता है, और ये किसी की भी टेबल में नहीं आता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें सम विषम पूछा गया है, तो आप इसमें आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें सभी संख्याएं जो है विषम है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन अलग है चारों के कंपैरिजन में। तो जब हम डी वाले को देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 169, तो आप देखेंगे ये होता है 13 का स्क्वायर, यानी कि ये 1 की भी टेबल में आता है, 169 की टेबल में भी आता है और 13 की भी टेबल में आता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विषम है, मतलब जो औरों से अलग है, वो है ऑप्शन डी, 169। मैं आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कई बार डिस्कस किया आपसे। तो क्वेश्चन क्या हुआ है, दिए गए ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे लुप्त संख्या कौन सी होगी, मिसिंग, फाइंड द मिसिंग नंबर। जो मैंने 1 से लेकर के 11 तक के वीडियोस बनाए हैं रीजनिंग के, उसमें इस तरह के क्वेश्चन मैंने 5 से 6 डिस्कस किए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको हमेशा से बताया है, सबसे पहले आप देखते हैं जो संख्याएँ दी हुई उसको ध्यान से देखते हैं। या तो मैंने आपको बताया था, या तो आप लेफ़्ट से राइट चल के सॉल्व कर सकते हैं, या तो अप से डाउन जा के सॉल्व कर सकते हैं। लेफ़्ट से राइट वाले मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे आपको बड़ी संख्याएं दिखेंगी, तो क्या आपको यहाँ पे बड़ी संख्याएं दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं। अगर हम लोग देखते हैं अप टू डाउन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बड़ी सी संख्याएं दिख रही हैं। ठीक है, मतलब आपको ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो और वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो, तब जाके आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चलेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 111, 120, ठीक है, 120। तो ये कैसे आया है ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें ये आया है, अगर आप 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 का वर्ग करते हैं, 11 × 11 ये आता है 121, बट हमको यहाँ पे चाहिए क्या, 120। तो हम क्या करेंगे, उसमें से ऊपर वाले को क्या कर देंगे, जो 1 दिया हुआ उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले हम लोग इस ब्लॉक को ध्यान से देखेंगे, क्या किया हमने, यहाँ पर दिया हुआ है 11, यहाँ पे दिया है 1, यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 × 11 121, फिर -1 120, जो कि हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है,
यानी कि हम लोग एक बार 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। इसको मैं यहाँ बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे होता है स्पेस को यहाँ पे करते, हाँ 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 49 माइनस 4 इज इक्वल टू आपका 45, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। अब यही पैटर्न हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे आप और उसमें से माइनस कर देंगे क्या 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या आया आपका 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आप क्या आएगा 16, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल पैटर्न आपको क्या फॉलो करना है, इस ब्लॉक के स्क्वायर को इस ब्लॉक के स्क्वायर से माइनस कर देना है, सेम यहाँ पे भी करना है, सेम यहाँ पे भी करना है, हमको यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी विच इज़ 16, जो हमें ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग और इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि 1 2 3 को 14, 3 2 3 को 22, तो 4 8 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे 1 2 3 के साथ क्या किया गया है, कि इसको 14 लिखा गया है और 3 2 3 को ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ 22 लिखा गया है, और वही पैटर्न हम लोग यहाँ पे भी सेम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या किया गया है, यहाँ पे दिया है 1 2 3, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग प्लस करके देखते हैं, तो प्लस करके देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 2 5 5 1 6 6, कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि प्लस करने से हमारा यहाँ पे नहीं होगा, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे आप, तो आप देखते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 हम लोग क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं और सबको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 10 14, जो कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, यानी कि क्या कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। अब इसी को हम लोग यहाँ पे भी फॉलो कराते हैं, 3 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 9 9 18 18 4 22, सेम पैटर्न हमारा आंसर आ गया। अब यही पैटर्न हम लोग इस क्वेश्चन इस वाले नंबर के साथ करेंगे, 4 8 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 8 8 64, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करिए आप लोग, 16 को 16 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 16 16 ज़ा 32, 32 में 64 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 6 और 6 2 9 96, जो कि ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, बस सभी नंबर का स्क्वायर करके प्लस किया, सभी नंबर का स्क्वायर करके प्लस किया, सभी नंबर का स्क्वायर करके प्लस किया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराइए, तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ठीक है, इमेज वाले क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, फिर कुछ हुआ तो ये हो गया, अब वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करके आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, और फिर वही सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। आपके साथ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए 3 पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। पहला पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि जो रिंग है ना, ब्लैक रिंग, ये मूव कर रही है, ठीक है। अब वो कैसे मूव कर रही है आपको पहचानना है, पहला पैटर्न तो आपको ये देखना है। सेकंड पैटर्न आपको क्या देखना है कि ये जो रिंग है अंदर रहेगी या बाहर रहेगी, ये देखना है, ठीक है। थर्ड पैटर्न आपको क्या देखना है, थर्ड पैटर्न देखना है कि ये जो यहाँ पे टेल दी हुई है, पूंछ दी हुई है, ये भी जो है पूंछ भी मूव कर रही है, यानी कि आपको यहाँ पे 3 चीज़ों को देखना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं समझा रही हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले क्या है
देखिए इसमें जो है ये जो ब्लैक सर्कल है पहले ये अंदर गया है, ठीक है, मूव तो किया ही है इस साइड इतने डिग्री पे, बट अंदर गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये यहाँ गया, अंदर गया। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये बाहर जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और ये अंदर है, अब की बार बाहर जाएगा। तो मान लीजिए ये स्क्वायर बनता है, ठीक है, समझाने के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर बनाती हूँ तो अभी यहाँ पर है, दूसरी बार यहाँ जाएगा, फिर तीसरी बार ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर बाहर भी जा रहा है प्लस मूव भी कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, तभी तो नेक्स्ट टाइम बाहर अंदर जा करके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद हमें देखना है कि पूंछ कहाँ जा रही है। एक बार यहाँ जा रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ गई, अब यहाँ से कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जो ब्लैक पॉइंट दिया हुआ है उसको मूव कराना है। तो पहले यहाँ से मूव हुआ, यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से मूव करेगा तो ऊपर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ ये, ठीक है, अच्छे से बनाती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया तो एक बार यहाँ पर है, ठीक है, एक बार अंदर गया, फिर एक बार यहाँ आएगा, एक पूँछ एक बार यहाँ पर है, फिर एक बार पूँछ यहाँ है, तो मतलब एक बार पूँछ यहाँ पर होगी। और ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया, और सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का ये भी है। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर आपको बताना है। एक समीकरण ये है, यहाँ पे 16 आया है, एक समीकरण ये सॉल्व करके यहाँ पे 4 आया है, आपको बताना है कि, फिर एक समीकरण और दिया हुआ है यहाँ पे, आपको बताना है सॉल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। अगर मान लीजिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी हालत में 6 नहीं आएगा, ठीक है, 6 नहीं आएगा। तो हमने क्या किया है इसमें, मान लीजिए आप इसमें डिवाइड ही कर दीजिए, 45 को 3 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 15, ठीक है, तो 15 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, प्लस से भी नहीं हुआ, मल्टीप्लाई से भी नहीं हुआ, भाग से भी नहीं हुआ। तो हम कुछ और कॉम्बिनेशन को इसमें बिठाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पहले एक को हम लोग चेक करते हैं, जब एक हमारा किसी तरह आ जाएगा तो हम आगे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 45 है 3, अब मान लीजिए 45 को हम भाग करते हैं 3 से, तो क्या आएगा? 15, ठीक है। अब जो 15 आया है ना, इसी के साथ कुछ करें कि हमारा आ जाए 6, यहाँ पे है 15, तो कुछ नहीं करना है, 1 और 5 को क्या कर देना है? प्लस कर देना है, ठीक है, 1 और 5 को क्या कर देना है? प्लस कर देना, और ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखना है कि ये पैटर्न हमारा नेक्स्ट वाले इक्वेशन में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि 110 को हम लोग भाग देंगे 5 से, क्या आता है? 22 आ रहा है। अब 2 और 2 को प्लस करने पे क्या 4 आ रहा है? जी हाँ आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। अब यही पैटर्न हम लोग जो हमारा क्वेश्चन पूछा है इसमें फॉलो करेंगे। क्या दिया है? 208 स्टार 4, यानी कि 208 को हम लोग भाग देंगे 4 से, क्या आएगा? 4 5 20, 4 2 8, यानी कि हमारा आया है 52, यानी कि 5 + 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 7, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या किया? बस इनको डिवाइड किया है, और जो डिवाइड पे आंसर आया है, अगर 1 डिजिट का आया तो एज इट इज़ रहेगा, अगर 2 डिजिट का आएगा तो दोनों डिजिट को आपस में हम लोग प्लस कर देंगे। अगर एक नंबर एक डिजिट का होगा तो सेम रहेगा, अगर 2 डिजिट का आता है तो दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, अगर 2 3 आएगा तो 5 हो जाएगा, अगर मान लीजिए 3 का आता है इस तरह के क्वेश्चन में भी अगर इन फ्यूचर आएगा तो हम लोग आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 लुप्त अंक की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको थोड़ा इसमें केयरफुल रहना है कि कैसे यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 7, यहाँ 28, यहाँ 9, यहाँ 45, 11, 66 क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसमें हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ 7, 7 के बाद 28, अगर हम लोग 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, ठीक है,
क्या दिया हुआ है यहाँ पे 9 और 45, ठीक है। 9 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। यहाँ पे दिया हुआ है 11 और 66, अगर हम लोग 11 को 6 से करते हैं तो हमारा 66 आता है, 66 आता है। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे जो सीधी चल रही है 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, अब 11 के बाद क्या आएगा आप बताइए, 13, यानी कि 13 होगा यहाँ पर, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करना होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक बार 7 को 4 से किया, 9 को 5 से किया, 11 को 6 से किया, तो 13 को हम लोग 7 से करेंगे, ठीक है। 13 को हम लोग 7 से करेंगे तो 13 7 क्या आता है बताइए आप लोग, 13 7 आता है 91, 91, तो जो कि हमारा ऑप्शन सी में 91 और 13 नज़र आ रहा है। मैं फिर से बताती हूँ आपको, कुछ नहीं किया गया, एक बार 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो हमारा आया 28, ठीक है। 7 और 28 का यहाँ पे हो गया काम। अब हम लोग 9 को 5 से करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है, यानी कि दूसरा वाला भी यहाँ पे हमारा हो गया। अब तीसरा क्या आएगा, 11 को हम लोग 6 से करेंगे तो यहाँ पे 66 आ रहा है, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा विषम, 13, और उसमें गुणा किससे करेंगे, गुणा हम लोग करेंगे एक बार 4 से हो रहा है, एक बार 5 से हो रहा है, एक बार 6 से हो रहा है, तब की 7 से होगा और 13, तो एक नंबर तो 13 आ गया हमारा, और 13 को हम लोग 7 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 91, यानी कि 13 और 91, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन दिया आपके सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख आपको बताना है, शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं और अध्यापक हैं, ठीक है। आपको देखना है कि इनमें ऐसा कौन सा रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाए कि हमको सही ऑप्शन नज़र आ जाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अध्यापक अगर शिक्षित होंगे तभी अध्यापक बनेंगे, ठीक है, और शिक्षित लोग ही अध्यापक बन पाएंगे, इतना तो है। यानी कि सभी अध्यापक क्या होंगे, सभी अध्यापक क्या होंगे, शिक्षित होंगे, ठीक है। बेरोज़गार लोग, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सभी शिक्षित लोग को रोज़गार मिला हुआ है, ठीक है। तो कुछ आपके जो शिक्षित हैं, कुछ शिक्षित हैं वो बेरोज़गार तो हो ही सकते हैं। तो आप कुछ शिक्षित, यानी कि ये बड़ा वाला गोला क्या दिखा रहा है, शिक्षित को दिखा रहा है, ठीक है, और सभी शिक्षित अध्यापक होते हैं, ये तो इसमें आ गया, ठीक है। बट इसमें दिया है बेरोज़गार लोग, यानी कि सभी शिक्षित लोग जो सभी पढ़े लिखे हुए हैं क्या उनके पास रोज़गार है, नहीं, कुछ तो ऐसे होंगे जो बेरोज़गार होंगे। तो कुछ वाला हमारा ये आता है और हमारा ये बन जाता है, जो कि ऑप्शन डी में साफ साफ दिख रहा है। क्या किया मैंने, देखिए सभी शिक्षित लोग क्या होंगे, अध्यापक होंगे, ठीक है, सभी शिक्षित लोग के अंदर अध्यापक हैं, क्योंकि अध्यापक कैसे बनेगा इंसान, जब शिक्षित होगा, यानी कि शिक्षित के अंदर आ गए सारे अध्यापक, ठीक है। और कुछ बेरोज़गार तो ऐसे, कुछ शिक्षित लोग ऐसे होंगे जो बेरोज़गार होंगे, सभी जो है शिक्षित लोग रोज़गार थोड़ी ना होता उनके पास, कुछ ना कुछ तो बेरोज़गार होते हैं, तो हमारा ही ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे मैच करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है यदि किसी महीने का 4 तारीख को शनिवार है, ठीक है, 4th को क्या है सैटरडे है, शनिवार है, तो इस महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि इस महीने की 25 को क्या होगा, यहीं पे क्वेश्चन गलत होता है। कहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है, 2 दिन आप ये करेंगे कि 25 में 2 दिन ऐड कर देंगे वो आंसर आप बता देंगे, तो ऐसे गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कि 25 के 2 दिन बाद, यानी कि 25 का दूसरा दिन नहीं, यानी कि 25 यानी 26 एक दिन हो गया, 27 एक दिन हो गया, 28वां इस तारीख की डेट का पूछ रहा है। एक मिनट मैं आपको फिर से बताती हूँ, क्वेश्चन अक्सर यहाँ पे कहाँ पे गलत होता है, आप लोग क्या करते हैं या कुछ लोग क्या करते हैं, 25 के बाद प्लस 2 कर देंगे, जो डेट आएगी वही आप निकालेंगे। यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ कहा है कि 2 दिन बाद, यानी कि 25 के बाद 2 दिन तो होगा ही, उसके बाद का जो दिन होगा वो पूछा है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि यदि किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार है, ये है 4 तारीख और यहाँ है शनिवार, ठीक है। अब हम लोग 4 में 7 ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक हफ्ते बाद क्या होगा, शनिवार ही होगा, तो 7 चार 11
शनिवार, ठीक है। अब फिर से 11 में हम लोग 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 18, फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे शनिवार, ठीक है। अब एक बार 18 में हम लोग फिर से 7 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 18 में 7 जोड़ा 25, 25 को भी क्या है शनिवार, 25 को भी क्या है शनिवार। अब शनिवार है ना, 25 को ध्यान दीजिएगा, 25 को क्या है शनिवार। अब उसके 2 दिन बाद का दिन का क्या होगा, प्लस 2 दिन, शनिवार मतलब एक दिन होगा रवि, एक दिन होगा सोम, उसके बाद का पूछा है, उसके बाद सोम के बाद क्या होगा मंगल, और यही होगा आपका आंसर जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। यानी कि 25 के बाद 2 दिन, ये 25वां दिन है, ठीक है, ये 25वां दिन है, ये उसके एक दिन, ये उसके एक दिन के बाद का दिन ये मंगलवार, दैट इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सीरीज वाला है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान करना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे मुझे लगता है आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस क्या किया गया है ध्यान से देखिए, 4 के बाद है 9, 9 के बाद 25, 25 के बाद 49, यहाँ पे आएगा क्या ये आपको है बताना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि 2 के बाद 3 का किया या 3 के बाद, और आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे विषम संख्या का सीरीज़ नहीं चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना है, विषम संख्या की सीरीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो सीरीज़ है मैं आपको बताने वाली हूँ, 2 का स्क्वायर किया गया है 4, उसके बाद 9 का स्क्वायर किया गया, 3 का स्क्वायर किया गया है, 3 का स्क्वायर किया गया 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 के बाद 3 का स्क्वायर 9, आप सोचेंगे इसके बाद 5 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, फिर आप सोचेंगे 7 का स्क्वायर है, ठीक है 49, अब आप सोचेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर, ठीक है, और आप जो है यहाँ पे लगा के आ जाएंगे 81, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन गलत है। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑड नंबर का होता, सारे विषम संख्या होते, तो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, 2 तो विषम नहीं होता है, 2 तो सम होता है, तो इसमें क्या किया गया, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो एक से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड करते हैं, ठीक है, खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसका हिंदी का अनुवाद मुझे नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक से डिवाइड हो और नंबर इट्सेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड हो, तो 2, 2 का स्क्वायर, 2 के बाद 5 का स्क्वायर, 5 के बाद यहाँ 3 का भी होगा, 3 का स्क्वायर, 3 के बाद 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 7 का स्क्वायर, अब 7 के बाद यहाँ पे 9 का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा 11 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखिए 2 एक से कटता है और खुद से कटता है, 3 एक से कटता है खुद से कटता है, 5 एक से कटता है खुद से कटता है, 7 एक से कटता है खुद से कटता है, 9 नहीं आया क्योंकि 9 एक से भी कटता है खुद से भी कटता है प्लस 3 से भी कटता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 9 के बाद 11 का हम लोग करेंगे, 11 एक से कटता है और 11 से कटता है, ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर जाएगा 11 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ पर आएगा 121, जो कि ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यदि किसी कूट में एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा गया है तो ए बी सी को क्या लिखा जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि एक्स वाई जेड है तो इसका जस्ट उल्टा हो गया रिवर्स गियर में ए बी सी, और फिर ए बी सी का आप लोग कर देंगे एक्स वाई जेड, तो खुश मत होइएगा, ये है गलत, ठीक है रॉन्ग। करना किस कैसे इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई जेड को ए बी सी, कैसे लिखा गया है ये आपको पहले ध्यान देना है। देखिए एक्स के बाद क्या आता है वाई जेड, उसके बाद क्या आएगा ए, ठीक है 2 का गैप। अब इसी तरह वाई के बाद क्या आता है, वाई के बाद क्या आता है जेड, जेड के बाद आता है ए, इसके बाद बी, यानी कि 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप ए बी। अब यहाँ पे है जेड, जेड के बाद क्या आता है ए के बाद आता है बी, 2 का गैप फिर सी, दैट इज सी। फिर से मैं बताती हूँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ एक्स वाई
जेड को ए बी सी यानी कि एक्स में प्लस दो कर दीजिए, ठीक है, वाई में प्लस दो कर दीजिए, जेड में प्लस दो कर दीजिए। तो जब एक्स में आप प्लस दो करेंगे तो क्या आता है, वाई जेड, वाई जेड के बाद क्या आएगा, ए, फिर वाई में प्लस दो कीजिए तो वाई में प्लस दो करेंगे तो आएगा जेड, जेड के बाद ए, इसके बाद क्या आता है, बी। इसी तरह जेड में प्लस दो कर दीजिए, जेड के बाद आता है ए, ए के बाद आता है बी, उसके बाद क्या आता है, सी। यानी कि जस्ट दो दो ऐड करने के बाद लिखा गया है, ठीक है, उल्टा नहीं किया गया है। तो एक्स वाई जेड को आपने ए बी सी कैसे लिखा, प्लस दो दो ऐड करके। अब यही पैटर्न हम लोग इसमें भी फॉलो कराएंगे, क्या है, ए बी सी, ए में प्लस दो करिए आप, उसके बाद क्या आएगा, ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद क्या आएगा, डी, यानी कि दो गैप के बाद आ रहा है डी, ठीक है। तो पहला तो हो गया हमारा डी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से आपने देखा कि दो के गैप में यहाँ पे डी आ गया है, तो और किसी में डी आ नहीं रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। एलिमिनेशन मतलब कि डी आ गया, डी और किसी ऑप्शन में नहीं है, तुम्हारा यहीं पे टाइम बच गया। बट फिर भी मैं आपको दिखा दूँ कि सही है कि नहीं। ए बी सी, ए में दो ऐड किया तो डी आया, ठीक है, ए में प्लस बी प्लस सी के बाद आता है डी, फिर हमें बी में भी दो ऐड करना है, ठीक है, सी आएगा, डी आएगा, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे ई, अब सी में भी दो ऐड करना है, ई, तो एफ, ठीक है। अब हमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया रीजनिंग के। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, स्टडी ग्रुप में, फेसबुक, हर जगह इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीजनिंग के और क्वेश्चन के वीडियोस हैं, डाइस के हैं, और भी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिएगा। प्लस जो मैथ्स के लिए चैनल बनाया उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।